सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ 10 चींटी और टिड्डा का पठन करने जा रहे हैं। किसी जंगल में एक नन्ही चींटी रहती थी। नन्ही चींटी मीन्स होता है छोटी सी चींटी। ये देखो, ये छोटी सी चींटी है। ओके, वह दिन भर कड़ी मेहनत करती थी। कड़ी मेहनत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, उसको हम सख्त मेहनत भी बोलते हैं। वह इधर उधर घूमकर अपना भोजन इकट्ठा करती थी और उसे उठाकर अपने बिल में ले जाती थी। एक बार गर्मी की ऋतु थी। ऋतु मीन्स मौसम, गर्मी का मौसम था। बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। तेज़ धूप के कारण बाहर निकलना बहुत कठिन था। कठिन मीन्स होता है बेटा मुश्किल। गर्मी में आपको भी बाहर निकलना मुश्किल लगता है क्योंकि गर्मी के कारण हमें पसीना आ जाता है और हमसे कोई काम भी नहीं होता। पर चींटी बहुत मेहनत करती थी क्योंकि वो आने वाले समय की तैयारी कर रही थी। तब भी चींटी आराम नहीं करती थी। वह हर समय अनाज इकट्ठा कलेक्ट, ठीक है, इकट्ठा करने में लगी रहती थी। वह आगे आने वाले समय के लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी क्योंकि आगे बरसात आनी थी, तो बारिश के मौसम में उसे बिल से बाहर नहीं निकला जाना था, तो फिर इसलिए वो अपना अनाज पहले ही इकट्ठा कर रही थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा भी रहता था। ये देखो टिड्डा, वह सारा दिन इधर उधर भटकता, घूमता, खेलता, आराम करता और मस्त रहता था। उसको किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। वह कोई काम नहीं करता था, उसे इस बात की कोई चिंता, चिंता मतलब टेंशन नहीं थी, फिक्र नहीं थी कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। एक दिन चींटी अनाज का दाना लेकर जा रही थी तो टिड्डे ने उसे रोका और बोला, चींटी बहन, ये देखो उसने उसको बुलाया, चींटी बहन, तुम हर समय काम में लगी रहती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। इतना लालच ठीक नहीं है। क्या करोगी इतना अनाज इकट्ठा करके? तुम्हारा छोटा सा तो पेट है, यह तो एक दाने में ही भर जाएगा। चींटी ने कहा, भाई हमें काम तो करते ही रहना चाहिए। टिड्डा बोला, काम क्यों करना चाहिए? मुझे देखो, मैं जीवन का मज़ा ले रहा हूँ, खा पी कर मस्त रहता हूँ। चींटी बोली, भाई आगे बरसात का मौसम आ रहा है। बरसात का मौसम मतलब बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु। मैं उसके लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ, तब कहीं अनाज दिखाई नहीं देगा, सारी अनाज खराब हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही इकट्ठा करके रख रही हूँ। तुम्हें भी उस मौसम के लिए कुछ अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। उसको समझाने लग गई। टिड्डा हंस कर बोला, कल की चिंता में आज को क्यों खराब करें? कल की कल देखी जाएगी, आज का तो मज़ा ले ले। कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम आ गया, वर्षा ऋतु आ गई। आसमान में घने काले बादल छा गए, मतलब बादल छा गए बहुत ज़्यादा, बारिश आने वाले का मौसम हो गया तो बादल छा गए। फिर तेज़ पानी बरसने लगा, बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश आई। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में तेज़ बारिश आती है, चारों ओर पानी ही पानी हो गया। ऐसे में चींटी अपने बिल के अंदर चली गई। ये देखो चींटी अपनी बिल के अंदर है। वहाँ उसे खाने का काफ़ी सामान था क्योंकि उसने अपने आने वाले समय के लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। ख़राब मौसम में भी चींटी के दिन बड़े मज़े से कट रहे थे क्योंकि उसके पास खाने के लिए था, लेकिन वर्षा ऋतु में टिड्डे को भोजन मिलना कठिन हो गया था, मुश्किल हो गया था। उसके भूखा मरने की नौबत आ गई थी, मतलब इतना मुश्किल हो रहा था कि उसका मरने के दिन आ गए थे कि अगर उसको अनाज नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो
मर सकता था। तब उसे चींटी की बात याद आई कि उसने मुझे क्या समझाया था। फिर वह चींटी के पास गया और बोला, चींटी बहन, मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। कई दिनों से मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला। चींटी बोली, जब मैंने तुम्हें समझाया था तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी, बस आराम करते रहे और गाना गाकर मज़ा लेते रहे। टिड्डा बोला, अब मैं खूब मेहनत करूँगा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई है, अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, अपना समय ख़राब नहीं करूँगा। चींटी बहन, मुझे यह बात समझ में आ गई कि हमें खूब मेहनत और बचत करनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास है हमें सारा इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए, कुछ बचा कर भी रखना चाहिए। अब मुझे कुछ खाने को दे दो। चींटी बोली, ठीक है, पर अपनी बात याद रखना। चींटी ने टिड्डे को थोड़ा सा अनाज दे दिया। अब टिड्डे की समझ में आ गया कि आज की हुई बचत आगे आने वाले समय में काम आती है। इस कहानी से बच्चे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ हमारे पास आज है उसको सारा इस्तेमाल ना करके कुछ हमें आने वाले समय के लिए भी बचा लेना चाहिए। धन्यवाद।